नवरात्र के शुभारंभ पर आज घर घर घट स्थापना की गई। वहीं भक्त मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। सुबह सुबह करणी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। रास्ते में जगह जगह माता की चुनरी और प्रसाद की दुकानें सजी हुई थी। यहां कोई पहली बार करणी माता के दर्शन करने पहुंचा तो कोई 20 वर्षों से लगातार दर्शन करने आ रहा है। नवरात्र के शुभारंभ और नव संवत्सर के मौके पर मंदिर जाने वाले भक्तों का कांग्रेस नेता नीलेश खंडेलवाल और कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। हम लोग सभी लोगों को आज हमने तिलक और कंगन आज सूत्र में डोरा बांधकर सभी का अभिनंदन और बधाइयां और सभी को शुभकामनाएं दी। आज एक भाईचारे का प्रतीक हम मान के चलते कि इससे शांति और देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें निश्चित रूप से शांति और एक भाईचारे का एक संचार होगा। हम यही शुभकामनाएं करते हैं माता के दरबार। मैं यहाँ बहुत दिनों से मेरे को तो 30 साल हो गए यहाँ आते हुए। मैं तो यहाँ से आती हूँ और यहाँ का मेरे को तो मालूम, यहाँ तो हर वक्त मनोकामना पूरी होती है।